Having said that, yoga is not only about spirituality. Yoga is only about you. योगा सिर्फ आपकी हेल्थ के बारे में है, आपके माइंड के बारे में है, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी सोल के बारे में. सो इट जस्ट हेल्प्स यू कनेक्ट योरसेल्फ टू योरसेल्फ. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअलिटी. दिस इज व्हाट वी कॉल स्पिरिचुअलिटी. सो यस, इन अ वे दे आर कनेक्टेड. बट यस, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एनीथिंग स्पेशल इन योगा, देन यू कैन डू सम मंत्र योगा. ओके, मंत्र योगा इज when you have a particular mantra of a god and you do the mantra chanting, that is considered mantra yoga. Okay, sir, आपने ये बात की मंत्र योगा. जैसे आपसे बताया, आपसे पूछा भी नहीं, बात कर ही रहे थे कि many people face so much struggle to maintain a yoga routine or a meditation routine. तो इस तरीके से अगर कोई जिनको प्रॉब्लम होती है, जो चाहते हैं कि योगा में इन्वॉल्व हो बट वो नहीं कर पा रहे, तो कुछ ऐसे टिप्स या फिर ऐसे स्ट्रेटेजीज हैं जो वो अपना सकते हैं और उससे उनको हेल्प मिले. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट थिंग इज दैट दे कन्विंस देमसेल्फ कि मुझे करना है और ये लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट. एंड सेकेंडली आई विल एडवाइज दैट द बेस्ट ट्रिक इज दैट when you get up in the morning after attending course of the nature, you do the first thing is yoga. Okay. So do it for 15 minutes, 20 minutes, jitna bhi time aapke paas hai, you do it in the early morning and it will have a great benefit in your life. Okay. And sir, yoga sone se pehle bhi kar sakte hain? Yoga aap din mein kabhi bhi kar sakte hain. Bas day time mein mat kariye because it's very hot. मॉर्निंग में, इवनिंग में कर सकते हैं और रात में सोते समय आप कुछ प्राणायाम का अभ्यास या ध्यान करके आप आराम से सो सकते हैं. एंड क्या अच्छी नींद के लिए योगा या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं और किस तरह से वो हेल्प करता है हमको सोने में? सो योग निद्रा इज वन ऑफ द वेरी गुड टेक्निक जो मेडिटेशन और स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. उसमें आप जो प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देता है वर्ल्ड से एंड यू फील वेरी रिलैक्स एंड दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद योर ऑडियंस. ओके, तो अगर आपको रात में सोने में दिक्कत होती है, आपको एंजाइटी फील होती है, स्ट्रेस फील होता है, तो आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन या फिर योगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स आर इनफ, 5 to 10 मिनट्स अगर आप करते हैं तो आपको अच्छी नींद आएगी. मैं तो ये स्टार्ट करने वाली हूँ, आप भी कीजिएगा. सर अगर बात करें कुछ स्पेसिफिक योगा पोजेस की या फिर मेडिटेशन टेक्निक्स की, तो वो आप कौन सा रिकमेंड करोगे स्ट्रेस रिलीफ के लिए और रिलैक्सेशन के लिए? सो यू कैन डू अनुलोम विलोम व्हिच इज अ ब्रीथिंग टेक्निक दैट इज रियली हेल्पफुल इन रिलैक्सिंग एंड ऑल्सो यू कैन डू सम रेस्टोरेटिव पोजेस जिसे हम बोलते हैं, जैसे शवासन है या बाल आसन है, चाइल्ड पोज है एंड मकर आसन. दीज विल रियली हेल्प यू टू रिलैक्स. सर जैसे लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं, और पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, तो क्या योगा उसमें भी हेल्प करता है? डेफिनेटली. अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है तो हम कुछ जो आपने अभी योगा पोजेस बताए हैं, जो टेक्निक्स बताई हैं, वो हम यूज कर सकते हैं और उससे हमको आराम मिल सकता है. ओके सर, योगा और मेडिटेशन को मतलब एसोसिएट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है स्पिरिचुअलिटी से. सो इज इट ट्रू? एंड मैं ये भी चाहूंगी कि लाइक कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जो एनहेंस कर सकती है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को, योगा और मेडिटेशन? सो योगा हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, कुछ तो फिजिकल है, कुछ मेंटल है और कुछ स्पिरिचुअल है. सो जो लोग जनरल में योगा करना चाहते हैं वो उनको फिजिकल और मेंटल बेनिफिट तो मिलता ही है, पर साथ में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं जो लोग योगा से स्पिरिचुअल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं. बट हैविंग सेड दैट, योगा इज नॉट ओनली अबाउट स्पिरिचुअलिटी, योगा इज ओनली अबाउट यू. योगा सिर्फ आपकी हेल्थ के बारे में है, आपके माइंड के बारे में है, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी सोल के बारे में. सो इट जस्ट हेल्प्स यू कनेक्ट योरसेल्फ टू योरसेल्फ. And this is what we call spirituality. And this is what we call spirituality. So yes, in a way they are connected. But yes, if you want to practice anything special in yoga, then you can do some mantra yoga. Okay. Mantra yoga is when you have a particular mantra of a god and you do the mantra chanting, that is considered mantra yoga. Okay, sir, आपने ये बात की mantra yoga की, मतलब I am so interested in this कि जैसे अगर हम
क्योंकि ऑफिस में होते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ है और अपना काम भी करते रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा सा फील नहीं हो रहा है तो मंत्र लगाए, मतलब मैं तो ये सीक्रेट है बट मैं तो लगाती हूँ ऐसे मंत्र अपने चलाए और ईयरफोन्स लगा के सुन लूँ, तो क्या इससे मतलब मुझे पर्सनली तो काफी अच्छा फील होता ही है, बट इट्स अ सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, और ये इसको हम क्या बोलेंगे जो हम इस तरह से मंत्र से जो हम ये गेन कर रहे हैं? See, what you are getting from mantra is positive energy. And mind is also nothing but thoughts. Thoughts are also energy. So then, when you do the mantra yoga, it converts your thought processes into that vibe of the mantra. And you get the spiritual benefits, positive mind from the mantra, which help you in the day. Okay, so if we don't have breathing exercise ka time nahi hai, जो कि निकाल सकते हैं 5 मिनट, बट अगर हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र मेडिटेशन कर सकते हैं एंड आई थिंक कि मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं अगर तो मंत्र मेडिटेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना? द बेस्ट वन इज ओम. यू कैन चैंट 3 times ओम. अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 3 बार या 4 बार ओम चैंट करके यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस एंड यू कैन आल्सो फिनिश योर प्रैक्टिस विद ओम. लोग जोड़ देते हैं कि योगा में तो सिर्फ आपको सिर्फ मतलब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये बात की थी कि योगा से तो मुझे पतला होना है, या फिर योगा को लेकर मेडिटेशन को लेकर लोग ये बात करते हैं कि मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है, आप थोड़ी देर के लिए शांत होते हो फिर वैसी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन या मिथ है जो आप एड्रेस करेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि योगा को एक वेट लॉस का टूल नहीं समझ के या कुछ डिजीज मैनेजमेंट का टूल नहीं समझ के एक लॉन्ग टर्म हैबिट की तरह से देखें और इसे पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करें कुछ लंबे टाइम तक अच्छे टीचर या स्टूडियो के साथ, देन यू विल सी कि आपके लाइफ में बेनिफिट्स आ रहे हैं. That's very very important. और ये जो instant weight loss है और instant का ज़माना जो है इससे बच के रहें, और अगर आप सच में अपने health को अच्छा करना चाहते हैं तो long term benefits की तरफ आप जाएं. बिल्कुल sir, बिल्कुल. And sir, to conclude this interview, I would like to ask you कि जैसे yoga और meditation हम करते हैं और अपनी life में हम add करना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी भी रीजन से अगर हमारी बॉडी में उसकी वजह से पेन होने लगता है तो उसको अगर हमें ऐसा फील होता है तो हम क्या कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस अगर आपको पेन डेवलप हो रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस. देयर आर 2 kinds ऑफ पेन, गुड पेन एंड बैड पेन. गुड पेन इज द स्ट्रेचिंग पेन. सो अगर आपने बहुत दिन तक कोई अभ्यास नहीं करा है, कोई आप इनएक्टिव हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते और आप अचानक से योगा स्टूडियो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, 1 hour की क्लास अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली योर मसल्स विल पेन, बट दिस इज अ गुड पेन. बैड पेन इज अगर आपने कोई गलत एक्सरसाइज कर लिया, गलत पोज कर लिया और आपके बोन्स में, जॉइंट्स में वो पेन हो गया, दैट इज कॉल्ड बैड पेन. तो ड्यूरिंग द क्लास जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि पेन मुझे कहाँ हो रहा है, मसल्स में हो रहा है या मेरे बोन पे पेन. So if it's a bone pain, then it's not a good thing. So you need to reduce the pace of the asanas. Okay, sir, it was a great interview. Thank you so much for your time. Thank you. And मैं जाते-जाते चाहूँगी कि आप हमारी audience को कुछ advice देके जाइए yoga से और meditation से. So as I've already discussed with Vidushi, हम yoga और आसन पर ध्यान पे तो बहुत focus करते हैं, लेकिन हम प्राणायाम पे जो मैं देखता हूँ हम ज़्यादा focus नहीं करते हैं. So if you are very stressed in your life and you want good health benefits, then please, please, please try pranayam. It's going to really, really help you in maintaining a very good, healthy life. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.